इक्वल टू ए। अगर किसी सेट का इंटीरियर उसी के बराबर आ जाए तो ऐसे सेट को क्या बोलते हैं? ओपन। ठीक है, इफ इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए, ये सब तमाम डिफिनेशन अलग अलग जो है टर्म में है, तो आप सबके रूप में जानिए और सब घुमा फिरा के एक ही बात कर रहे हैं और कुछ है नहीं। ठीक है, या फॉर एग्जांपल, और फॉर एग्जांपल आप अच्छे से जानते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट एन ओपन सेट, ओपन सेट नहीं है, बिकॉज सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट द नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट। बस ना रही है, आप समझ सकते हैं बहुत आसानी से। सेट ऑफ होल नंबर इज नॉट एन ओपन सेट, सेट ऑफ रेशनल, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इरेशनल इज नॉट एन ओपन सेट, सेट ऑफ रियल इज एन ओपन सेट, है ना, फाई इज एन ओपन सेट, ओपन इंटरवल ए कमा बी इज एन ओपन सेट, एंड क्लोज इंटरवल या सेमी ओपन सेमी क्लोज या सेमी क्लोज सेमी ओपन इज नॉट एन ओपन सेट। सब क्लियर है आप लोगों को? लिखिए एग्जाम्पल में, लिख डालिए तो जल्दी जल्दी लिखिए, एग्जाम्पल में लिखिएगा आप लोग। सेट ऑफ, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल एन कमा डब्लू, सेट ऑफ एन कमा डब्लू होल नंबर, सेट ऑफ रेशनल, सेट ऑफ इरेशनल आर नॉट एन ओपन सेट। ये सब ओपन सेट नहीं है, बिकॉज बिकॉज है ना, दीज सेट इज नॉट द नेबरहुड ऑफ, बिकॉज दीज सेट इज नॉट द नेबरहुड ऑफ, इज नॉट द नेबरहुड ऑफ क्या बोले, एनी की इज, एनी की इज, इज बोले, हाँ इज बोले, क्योंकि देखो एक दो के होने से फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, मतलब ओपन सेट होने के लिए अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होना चाहिए, है ना, इज नॉट द नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। वो अलग बात है कि हाँ किसी का भी नहीं है, वो अलग बात है कि वो अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं है, इज नॉट द नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट, वो अलग बात है। लेकिन हम जब नेबरहुड देखने जाएंगे तो हम देखेंगे क्या सबके है कि नहीं है, सबके क्या है तो एक को नहीं है तो दूसरी बात है, लेकिन सबके नहीं है ये हमको कंफर्म करना है, सबके है कि नहीं, कितने के हैं कितने का है उससे फर्क नहीं पड़ता, सबके हैं कि नहीं, है ना, तो इज नॉट द नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। आगे लिखिएगा सेट ऑफ रियल नंबर, नेक्स्ट नंबर आगे लिख दीजिएगा सेट ऑफ रियल नंबर, ये सब आपको आना चाहिए अच्छे से, किसी को समझा भी सके ऐसे आना चाहिए आपको, और समझा सकते हैं, कैसे समझाएं, किसी को समझाना होगा तो पॉइंट लेके समझाएंगे, देखिए हमने एक पॉइंट स्टेट से ले लिया, अब हम किसी भी रेडियस का है, हम अब साइलेंट भी रेडियस का अब दिखाएं, ऐसे कोई बोलेगा शो करके दिखाइए तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे लेट, है ना, नेचुरल नंबर बोलेगा, बोलेगा लेट टू बिलोंग्स टू कैपिटल एन, देन देयर एग्जिस्ट, है ना, यस अब साइलेंट टू, चलो मैं अब साइलेंट रेडियस का ले लिया, तो जो एप्सिलॉन रेडियस का जो स्फीयर बनाएंगे टू को सेंटर मानकर, वो टू को तो कंटेन करेगा, बट दैट एस एप्सिलॉन टू नॉट कंटेन्ड इन कैपिटल एन, ऐसे लिख देंगे आप, बस मारी है ना, तो दिस शोज दैट एन इज नॉट द नेबरहुड ऑफ टू, सिमिलरली वी कैन शो दैट, है ना, एन इज नॉट द नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट, काम खत्म, दस एन इज नॉट द एन ओपन सेट, ऐसे आप इस चीज को दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं, अब नहीं कि मैं अच्छा सा हाथ तोड़ के आपको लिखवाऊंगा कि देखिए नहीं ऐसे ऐसे आप लिखिए, तो जो चीज़ें हैं एक ही बात बार बार कही जा रही है तो उसको आराम से अगर आपको कहीं शो करना हो लिखना हो तो आप समझा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और बाकायदा आपको आना चाहिए, समझाने आना चाहिए, समझा लोगे ना बेटा, ये मैं बोला कि सर अपने समझ में आए, हो गया, उसमें लिखेगा सेट ऑफ रियल नंबर इज एन ओपन सेट, उसी में और जोड़ देते ना सेट ऑफ, चलो कोई बात नहीं, सेट ऑफ रियल नंबर इज एन ओपन सेट, फाई इज एन ओपन सेट, यहाँ लिख लेना चाहिए था फाई एंड आर बोथ आर ओपन सेट, है ना, कोई बात नहीं है लिख लीजिए बाद में, फाई इज एन ओपन सेट, फाई भी ओपन सेट, ठीक है, फाई इज एन ओपन सेट। अब इंटरवल में आ जाइए, आप इंटरवल में आ जाइए, क्या लिखेंगे आप लोग, क्लोज इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी कमा सेमी ओपन सेमी क्लोज ए बी, एक तरफ क्लोज एक तरफ सेमी, तरफ सेमी तरफ क्लोज कर दीजिए, दो बार लिख दीजिए, बाबा भवानी हुआ मत लिखो, सेमी ओपन सेमी क्लोज एंड सेमी क्लोज सेमी ओपन, लिख पा रहे हो ना आप लोग, ऐसे एक बार कर लीजिए, एक बार ऐसे लिख दीजिए और एक बार आप ऐसे लिख दीजिए, है ना, सेमी ओपन सेमी क्लोज सेमी ओपन एंड क्लोज इंटरवल, है ना, इज नॉट एन ओपन सेट,
इज नॉट एन ओपन सेट, ये सब ओपन सेट नहीं है, आर लिख दीजिए आर नॉट, है ना, इसलिए ग्रामेटिकली नहीं दिखाया था, कोई दिक्कत नहीं, नॉट एन ओपन सेट, ये सब ओपन सेट नहीं है, है ना, क्यों, क्योंकि अपने हर एक पॉइंट के, हर एक पॉइंट के, ये अपने बहुत से पॉइंट के नेबरहुड हैं, है ना, लेकिन हर एक पॉइंट का नहीं है। और कौन सा पॉइंट है ये भी आपको पता है, आप लोग इतना तेज हैं, आपको ये भी पता है, इसमें ए बी का नहीं, इसमें बी का नहीं, इसमें ए का नहीं, क्लियर है ना आपको। तो हमको ये देखना है कि भाई किसका नहीं, वो नहीं देखना है ओपन सेट के लिए, वो आप जानिए ठीक है, लेकिन आपको ये बस देखना है कि क्या सबका है कि नहीं, सबका नहीं है ना। तो आगे लिख दीजिएगा, आगे नेक्स्ट नंबर लिख दीजिएगा, ओपन इंटरवल ए कमा बी इज एन ओपन सेट, ओपन इंटरवल होता है, क्योंकि ओपन इंटरवल ए कमा बी लोगे तो अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होता है, या उसका हर एक पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट होता है, ओपन इंटरवल ए कमा बी इज एन ओपन सेट, क्लियर है। तो आशा करेंगे कि आप लोगों को नेबरहुड, ओपन सेट, इंटीरियर पॉइंट, कोई भी सेट अगर आपको दे दिया जाए बना के, किसी भी तरीके से बना के दे दिया जाए तो आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। ऐसा कुछ लोग बना के भी दे सकते हैं, कुछ ऐसा अगर आगे सेट कुछ यूनियन करके कर ली ब्रैकेट में लगा के ऐसा कुछ करके, बस आपको ये देखना है कि भाई उस सेट में कौन कौन से पॉइंट हैं ये जान लेना है। अब हम कोई पॉइंट ले रहे हैं तो क्या वो कंडीशन होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बस ये चीज़ चेक कर लेना, जो बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत ईजिली आपको ऐसे सोच लोगे आपको समझ में आ जाएगा कि होगा कि नहीं होगा, बात समझ में आ रही है। चलिए अब हेडिंग करिए, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, लिमिट पॉइंट क्या हो गया बताइए, डांस करने जाना चाहते हैं आप लोग हैं, लिमिट पॉइंट की बात करते हैं। किसी सेट का लिमिट पॉइंट क्या होता है, ध्यान दीजिए, लिमिट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है, और ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि किसी सेट के लिमिट पॉइंट को हम कैसे पता करते हैं, होता क्या है यहाँ पे, और समझते कैसे, थोड़ा सा आपको घुमा फिरा के समझने की जहाँ ज़रूरत है, और बहुत से डिफिनेशन आपको मिलेंगे यहाँ पे भी समझने के लिए। जैसे मान लीजिए एक चीज़ तो कन्फर्म रहेगा यहाँ पे कि एक्स डी अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक स्पेस है, लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस, एक्स डी अगर मान लीजिए मैट्रिक स्पेस है एंड कैपिटल ए बी एनी सबसेट सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स है, देन एल इज सेट टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ कैपिटल ए, लिमिट पॉइंट ऑफ कैपिटल ए, वो ध्यान से लाइन समझे, लिमिट पॉइंट ऑफ कैपिटल ए इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर, इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर, एन ओपन स्फीयर एस आर एल, यही ना, दैट इज एल माइनस आर एल प्लस आर, यही ना, इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर एल माइनस आर एल प्लस आर दैट कंटेन्स, दैट कंटेन्स कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, अब उनकी बात रख देना, आर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ऑफ कैपिटल ए, मतलब ये जो ओपन स्पीयर है ना या वो ओपन इंटरवल है ये ए के कितने पॉइंट को कंटेन करे, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स को कंटेन करे, अदर देन एल, उस एल को छोड़कर, उस एल को छोड़कर है ना, वह ए के इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट को क्या करे कंटेन करे, ऐसा ओपन स्पीयर अगर मिल जाए जो एल को छोड़कर ए के इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट को कंटेन करे, बस नारी अदर देन एल, दैट इज, अब इसको मैं थोड़ा सा सिंबल फॉर्म में लिखूं अगर कि है ना, थोड़ा एक लाइन में सिंबल फॉर्म में लिखूं तो दैट इज एस आर एल, जब मैं उस ओपन स्फीयर और ए के बीच का जब इंटरसेक्शन लूं, भाई देखो ए ओपन स्फीयर इसके इनफाइनेटली मेनी पॉइंट को कंटेन करे, तो इफ दैट इज एस आर एल इंटरसेक्शन ए है ना, अ माइनस एक्स
एक्स को सॉरी एल है ना, एल है ना लिमिट पॉइंट बोला हूँ, एल एल को छोड़कर जब मैं उस ओपन इंटरवल या ओपन स्पीयर और उस सेट ए का जब मैं इंटरसेक्शन लूँ तो एल को छोड़कर जो रिजल्ट आए वो नॉट इक्वल टू फाइव, मतलब कुछ ना कुछ मिले आपको, ना समझा नहीं ना, मतलब एक ऐसा एल को ए का लिमिट पॉइंट हम तब कहेंगे जब एक ऐसा ओपन स्पीयर रहे जब उस ओपन स्पीयर का ए के साथ इंटरसेक्शन ले एल को छोड़कर नॉट इक्वल टू फाइव मिलना चाहिए, नॉट इक्वल टू फाइव मिलना चाहिए, इसका मतलब कि इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ पॉइंट मिलने चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ पॉइंट नहीं मिलता है, सीधे कितना मिलता है इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स, डिफिनेशन के अकॉर्डिंग तो यह है खाली एक को पॉइंट मिल जाए एल को छोड़कर, एल को छोड़कर अगर एक भी पॉइंट मिल गया है ना तब भी एल ए का जो है लिमिट पॉइंट कहाँ जाएगा इस कंडीशन को होल्ड करते हुए, लेकिन एक्चुअल में देखा गया या देखेंगे आप तो एक पॉइंट नहीं मिलता, जब मिलता है सीधे कितना मिलता है इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट, इसलिए मैं लिख दिया हूँ वहाँ पे कि दैट कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ऑफ ए अदर देन एल, अगर एक्स लिखेंगे कि एक्स इज सेट टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ ए देन एस आर एक्स इंटरसेक्शन ए माइनस है ना कर्ली ब्रैकेट में एक्स इज नॉट इक्वल टू फाइव, अगर ये इक्वल टू फाइव हो गया देन एल इज नॉट द लिमिट पॉइंट ऑफ ए, बस समझ रही ना, मतलब इफ अगर ऐसा कुछ रिजल्ट मिल गया कि एस आर एल इंटरसेक्शन ए माइनस एल उस एल को छोड़कर अगर इक्वल टू फाइव मतलब कुछ नहीं मिल रहा है एल को छोड़कर और कोई पॉइंट कॉमन नहीं हो रहा है ना, तो विच इम्प्लाइज एल इज नॉट द लिमिट पॉइंट ऑफ ए, ये सिंपल फॉर्म में आपको आना चाहिए कि नहीं है तो क्या होगा, है तो क्या नोटेशन होना चाहिए, इज नॉट द लिमिट पॉइंट ऑफ ई, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है आप लोगों को, बोलिएगा कन्फर्म है ना, क्या जी निशान ठीक ना। अब मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे समझा देना चाहता हूँ है ना, एक चीज़ मैं आपको और समझाना चाहता हूँ थोड़ा सा और मैं जोड़ूंगा इसमें कुछ चीज़ क्योंकि यहीं पे लोग कन्फ्यूज होते हैं, जैसे यहाँ बोला कि देन एल इज सेट टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ ए देयर एग्जिस्ट है ना एन ओपन स्फीयर, नहीं मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करना चाहता हूँ, इफ फॉर एवरी ओपन स्फीयर, अगर देर एग्जिस्ट कर दूंगा तो ये दोनों बड़ा अंतर हो जाएगा और रिजल्ट उल्टा आने लगेगा, इफ फॉर एवरी ओपन स्फीयर एस आर एल, मतलब कि समझिएगा यहाँ पे हम किसी भी रेडियस का हम स्फीयर खींचे उस एल को सेंटर मानकर, वह स्फीयर चाहे छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा जितने भी का हो वह स्फीयर ए के इनफिनिटली मिनी पॉइंट को कंटेन करना चाहिए उस एल को छोड़कर, ये नहीं कोई एक को करके काम बन गया, नहीं किसी एक स्फीयर कंटेन करने से ऐसा काम नहीं बनने वाला है, हर एक स्फीयर को कंटेन करना होगा, अगर कोई एक ऐसा स्फीयर मिल गया ध्यान समझिएगा, अगर कोई ऐसा स्फीयर मिल गया जो एल को तो कंटेन कर रहा है ना ठीक है कोई दिक्कत नहीं है एल को कंटेन कर रहा है, लेकिन जब उसका ए के साथ इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो एल को छोड़कर कोई पॉइंट कॉमन नहीं हो पा रहा है, और कई तो ऐसे मिल पा रहे हैं जहाँ पे इनफिनिटली पॉइंट मिल रहे हैं लेकिन कोई एक भी ऐसा मिल गया जो नहीं कंटेन कर पा रहा है जिसका इंटरसेक्शन खाली हो जा रहा है ऐसा कुछ, तो जान लीजिए वो लिमिट पॉइंट नहीं हो, लिमिट पॉइंट होने के लिए उस यल को सेंटर मानकर किसी भी रेडियस का स्फीयर खींचे, बहुत ध्यान से लाइन बहुत ध्यान समझिएगा है ना, यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत होता है, किसी भी रेडियस का स्फीयर खींचिए चाहे वो छोटे छोटा रेडियस चाहे बड़ा से बड़ा रेडियस हो, हर एक स्फीयर यल को छोड़कर ए के इनफाइनाइट पॉइंट को अपने अंदर क्या करता है कंटेन करता है हर एक स्फीयर। अभी तक आप देख रहे थे कि इंटीरियर पॉइंट समय की देयर एग्जिस्ट ओपन, एक ऐसा मिल जाए बस काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर जितने भी पॉसिबल ओपन स्फीयर होंगे है ना एवरी ओपन स्फीयर कंटेन्स इनफिनिटली मेनी पॉइंट्स ऑफ ए अदर देन एक्स या एल जो भी जिसको भी आप लिमिट पॉइंट के रूप में लिखते हो, बस समझ आ रही है ना ये चीज़ें, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए मैंने ले लिया ए इज इक्वल टू एन है ना, आप लोग पढ़िए भैया है ना मेरा दिमाग पसंद आ रही है, मान लीजिए हमने ले लिया ये, अब बताओ यहाँ पे 1 2 3 4, अच्छा मैं एक चीज आपको और बता देना चाहता हूँ है ना कि देन एल इज सेट टू बी लिमिट पॉइंट, अब ये एल कहाँ का पॉइंट है, क्या ये ए का पॉइंट है, सभी तक हम देख रहे थे इंटीरियर पॉइंट के लिए उसी का पॉइंट है, उसका पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट है कि नहीं है ना, अभी क्या उसी का पॉइंट है, मैं बता दूं आप लोगों को
देखो इंटीरियर पॉइंट सिस्टम में क्या होता है कि उसको कंटेन करने वाला जो स्फीयर होता है वो उसके अंदर कंटेन करना होगा। अगर हम बाहर से किसी पॉइंट को इंटीरियर पॉइंट रूप में देखना चाहोगे वो तो पहले ही बाहर हो गया, वहाँ तो कोई सवाल ही नहीं होता है। लेकिन बता दो यहाँ पर स्मॉल एल बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स होता है। छोटी छोटी बातें हैं जो एमसीक्यू में कंपटीशन एग्जामों में बहुत ध्यान देनी पड़ती है। मतलब ये जो लिमिट पॉइंट है वो सेट का भी पॉइंट हो सकता है और सेट के बाहर का भी पॉइंट हो सकता है। बस हमारी ना जो लिमिट पॉइंट होता है किसी सेट का वह सेट का भी पॉइंट हो सकता है और सेट के बाहर का भी पॉइंट हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आप लोगों को? बोलिए कंफर्म ना। तो मैं एग्जांपल लेके दिखाऊंगा आप लोगों को। मतलब लिमिट पॉइंट ले जान लीजिए कि सेट का भी पॉइंट होता है और सेट के बाहर का भी पॉइंट होता है। जैसे आप लोग जैसे सिक्वेंस बनाते हो 1/n वाला, वो भी तो सेट होता है ना। सिक्वेंस है ना, वो भी सेट ही होता है 1/n। एक इन्फाइनाइट सिक्वेंस है आपके पास, इन्फाइनाइट पॉइंट्स उसमें होंगे 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। उस 1/n का लिमिट क्या आता है? जीरो आता है। उसका लिमिट पॉइंट क्या होता है? जीरो। क्या डेट जीरो कंटेन इन डेट से, क्या वो जीरो सेट के अंदर कंटेन होता है क्या? 1/n वाले सीक्वेंस में क्या जीरो है क्या? नहीं है, क्योंकि वो जीरो कम मिलता है n टेंड्स टू इनफिनिटी पे। इनफिनिटी पे जा नहीं सकते तो जीरो मिल नहीं सकता। लेकिन वो जीरो उसका लिमिट पॉइंट है कि नहीं है? लेकिन सेट का पॉइंट नहीं है। तो लिमिट पॉइंट सेट का भी पॉइंट हो सकता है, सेट के बाहर का भी। बहुत ध्यान देने वाली बात है। इसलिए मैंने लिखा है l बिलोंग्स टू कैपिटल x। अब a चूंकि x का सबसेट है, a s का सबसेट है, तो अगर वो l a का भी पॉइंट होगा तब भी x का होगा, और अगर मान लीजिए a का नहीं होगा तो a के बाहर का होगा तब वो x का होगा। ये बात समझ में आ रही है ना? इसलिए याद रखेंगे स्मॉल l बिलोंग्स टू कैपिटल x। ये छोटी छोटी बातें हैं। अब आओ यहाँ पे,